हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ। और आज हम देखेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2nd का हमारा फर्दर पार्ट। इन केस ऑफ डिस्क्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर होते हैं कि वो एम्प्लॉयड हैं, उनके पास एग्रीकल्चरल प्लॉट होते हैं जहां पर वो वर्क फाइंड कर सकते हैं। ये यूजुअली हैपन होता है फैमिली मेंबर्स में जो इंगेज होते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। वर्क रिक्वायर होता है, वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल, मतलब काम करने के लिए एटलीस्ट 5 पीपल्स की जरूरत होती है, बट इंगेज होते हैं 8 पीपल, 3 पीपल एक्स्ट्रा होते हैं। और ये 3 पीपल्स जो है वर्क करते हैं सेम प्लॉट पे 5 पीपल के बराबर में। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये 3 एक्स्ट्रा पीपल्स को ये एड नहीं करता, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल्स। जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है 8 लोगों में, ये किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता या एड नहीं किया जाता। ये 3 पीपल्स को रिमूव कर दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी जो है फील्ड की वो डिक्लाइन नहीं होगी या कम नहीं होगी, क्योंकि काम तो 5 लोगों के हिसाब का ही था, उसे 8 लोग कर रहे थे। अगर वो 3 लोग चले भी जाते हैं तो काम उतना होगा ही होगा। फील्ड को रिक्वायर होती है सर्विस की 5 पीपल्स की, और 3 एक्स्ट्रा पीपल जो है वो डिस्क्यूसली एम्प्लॉय किए गए हैं, मतलब जरूरत नहीं थी फिर भी रख लिए गए। ऐसे होते हैं डिस्गस एम्प्लॉयड पीपल्स। अर्बन एरियाज में एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये कॉमन बोल सकते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये कॉमन चीज देखने को मिलती है, कॉमन फेनोमेना है। बहुत सारे यूथ जो है मैट्रिकुलेशन हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, डिग्रीज जो है उनके पास में होने के बाद में, इन सारी चीज़ों की डिग्रीज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज होने के बाद भी उनके पास जॉब नहीं है। स्टडी शो करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का ये इंक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा अमॉन्ग मैट्रिकुलेट्स। पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन जो है वो विटनेस करती है सरप्लस को मैन पावर की इन सर्टन कैटेगरीज, जो को एग्जिस्ट होती है शॉर्टेज ऑफ मैन पावर्स की मेन मैन पावर्स में। अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन के बीच में, ये एक बात है, बल डेथ जो है, ये डेथ जो है टेक्निकल स्किल्स का, ये रिक्वायर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वेस्टेज हो जाता है मैन पावर रिसोर्सेज का, पीपल जो एसेट बने हुए हैं इकोनॉमी के वो लायबिलिटी बन जाते हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, और फिर ऐसा लगने लगता है कि अब कोई मतलब उम्मीद ही नहीं रही, होपलेसनेस उनके अंदर फीलिंग आने लगती है, और डिस्पेयर अमॉन्ग द यूथ, और लोगों के बीच में यूथ लोग जो है, जवान जो है, जवान काम करने वाले जो है उनके बीच में एक तरह से डिस्करेजमेंट आ जाता है। पीपल जो है उनके पास में इनफ मनी नहीं होता कि वो सपोर्ट कर सके उनकी फैमिली को। इनएबिलिटी जो है एजुकेटेड पीपल के बीच में, जो विलिंग रहते हैं या चाहत रहती है वर्क करने की, एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाई करता है ग्रेट सोशल वेस्ट को। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमिक ओवरलोड, डिपेंडेंस जो है अनएम्प्लॉयड का ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, ये इंक्रीज होते जा रहा है। क्वालिटी जो है लाइफ की किसी भी इंडिविजुअल की एज वेल एज सोसाइटी की, ये एडवर्सली इफेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है इस चीज़ की वजह से। जब फैमिली को रहना पड़ता है एक बेयर सब्सिस्टेंस लेवल में, जहाँ पर जनरल डिक्लाइन हो रहा है उनके हेल्थ स्टेटस में, या राइज हो रहा है विड्रॉवल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, हेंस अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक डिटर्मिनेंटल इम्पैक्ट है ओवरऑल ग्रोथ पे इकोनॉमी के। इंक्रीज जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये इंडिकेटर होता है डिप्रेस इकोनॉमी का, यह वेस्ट हो रहा है, एक तरह से बताया जाता है कि रिसोर्स वेस्ट हो रहा है जो गेनफुली एम्प्लॉयड लोग हैं उनका। इफ पीपल कैनॉट बी यूज एज अ रिसोर्स, अगर पीपल्स को यूज नहीं करेंगे रिसोर्स की तरह, तो नेचुरली वो अपीयर होंगे हमें लाइबिलिटी की तरह इकोनॉमी के लिए। एसेट का काम नहीं करेंगे वो, लाइबिलिटी का काम करेंगे, और जिस पे आपको पैसा लगाना पड़ रहा है। इंडिया के केस में स्टैटिस्टिकली अनएम्प्लॉयड रेट जो है वो बहुत ही लो है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट करते हैं लो इनकम और प्रोडक्टिविटी को, जो काउंट किया जाता है एम्प्लॉयड के रूप में। वो अपीयर होते हैं कि वो वर्क कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल और इनकम ये एडिक्वेट नहीं होता उनके लिए। वर्क जो है जो परस्यू कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो फोर्स किया गया है उनके ऊपर या दबाव डालकर बनाया गया है, वो काम दिया गया है उन्हें, ऐसा लगता है, और इसीलिए वो चाहते हैं अदर वर्क को, उनके चॉइस के वर्क को करना। पुअर पीपल्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो आइडल बैठे या खाली बैठे, उन्हें कुछ ना कुछ काम करना जरूरी होता है, और वो अपने आप को इंगेज रखते हैं एक्टिविटी में जो इरिस्पेक्टिव होती है अर्निंग पोटेंशियल के। उनकी अर्निंग जो है उन्हें बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पर ले आती है या वहीं पर रखती है, उससे ज़्यादा ऊंचाई पर वो उठ नहीं सकते। आप देख सकते हैं कितना आप पे करते होंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं, जो मेंड करते हैं आपके शूज़ और स्लीपर्स को, सिलते हैं, उन्हें आप कितना पैसा देते होंगे या वो कितना अर्न कर सकते होंगे आपको लगता है, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उन्हें काम करना ज़रूरी होता है। मोरओवर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो है ये कैरेक्टराइज किया गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से इन अ प्राइमरी सेक्टर। होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन द फील्ड, इवन दो एवरीबडी इज रियली रियली नीडेड,
मतलब सारी की सारी फैमिली कंट्रीब्यूट करती है फील्ड में, एवरीबडी सबकी जरूरत होती है इसलिए. सो देर इज डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. मतलब ऐसा है कि जितनी फील्ड है उस पर अगर उतने लोगों की जरूरत नहीं है फिर भी पूरी फैमिली वहाँ काम कर रही है क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता. तो ये इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट सारी फैमिली जो है शेयर करती है जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसे. ये कंसेप्ट जो है शेयरिंग ऑफ वर्क का फील्ड में और प्रोड्यूस करता है, रेज करता है, रिड्यूस करता है हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को रूरल सेक्टर में. बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली. लेकिन ये फैमिली की गरीबी को ख़त्म नहीं करती. ग्रेजुअली सरप्लस लेबर्स जो है हर हाउसहोल्ड से ये माइग्रेट होते हैं विलेज से दूसरी जगह पर जाने के लिए ताकि वो सर्च कर सकें जॉब को. अब हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को तीन सेक्टर्स में जो मेंशन किया गया था. पहले एग्रीकल्चर, ये मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर होता है इकोनॉमी का. रीसेंट ईयर्स में डिक्लाइन हुआ है डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पे, पार्टली बिकॉज डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये डिस्कस किया गया था हमने अर्लियर. कुछ सरप्लस लेबर्स जो है एग्रीकल्चर में ये मूव कर दिए गए हैं, अपने आप को उन्होंने मूव कर लिया है सेकेंडरी या टर्चरी सेक्टर्स में, मतलब दूसरे फील्ड्स में. सेकेंडरी सेक्टर्स में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आती है, मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग होती है. इन केस ऑफ टर्चरी सेक्टर न्यू सर्विसेज जो है अपीयर होने लगी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इस तरह से एक स्टोरी हमें दी गई है जानने के लिए किस तरह से पीपल्स जो है एक असेट बन चुके हैं इकोनॉमी के लिए उस विलेज के. स्टोरी ऑफ अ विलेज दिया है, एक विलेज है जो इनहेबिट करता है बाय सेवरल फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज वहाँ रहती है और हर फैमिली प्रोड्यूस करती है इनफ टू फीड इट्स मेंबर, इतना प्रोड्यूस करती है कि अपने घर के मेंबर्स को इनफ खिला सके या जितना पूर्ति हो सके. इस तरह से ईच फैमिली अपनी नीड्स को कंप्लीट कर रही है, मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लॉथ्स क्योंकि वो अपना खुद क्लॉथ बनाते हैं, टीच करते हैं अपने ओन चिल्ड्रंस को. वन ऑफ द फैमिली, एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो सेंड करेंगे अपने चिल्ड्रन को एग्रीकल्चर कॉलेज में. बॉय जो था उसे एडमिशन उसमें मिल गई नियर बाय कॉलेज में एग्रीकल्चर की, और कुछ समय बाद में वो एक क्वालिफाइड हो गया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में. और जब वापस आया विलेज में ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव, और उसने दिखाया कि वो बहुत ही क्रिएटिव बन चुका है, दैट ही कुड डिजाइन एन इम्प्रूवमेंट टाइप ऑफ प्लग. उसने सोचा कि एक इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लग जो है खेती में लगने वाली चीज मैं बनाऊंगा जो इंक्रीज कर देगी यहाँ की यील्ड को, वीट के यील्ड को. और ये न्यू जॉब जो था एग्रो इंजीनियर का ये क्रिएट किया गया और फील किया गया विलेज में. फैमिली जो थी विलेज में ये सोल्ड करती थी सरप्लस को इन द नियर बाय नेबरिंग विलेज. वो अर्न करते थे अच्छे प्रॉफिट को जो वो शेयर करते थे अपने अपने बीच में, सब लोगों के बीच में शेयर करते थे. इंस्पायर्ड बाय देयर सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन अ विलेज. उनके सक्सेस से इंस्पायर्ड होकर सभी लोगों ने विलेज में एक मीटिंग रखी. वो सब चाहते थे कि बेटर फ्यूचर उनका भी हो, उनके चिल्ड्रंस का भी हो. तो उन्होंने रिक्वेस्ट की पंचायत से कि एक स्कूल ओपन की जाए विलेज में. वो अज्यूम करते थे, वो अशोर्ड थे, मतलब अशोर्ड कर रहे थे पंचायत को कि वो सेंड करेंगे अपने चिल्ड्रंस को स्कूल में. पंचायत जो था हेल्प की गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट की हेल्प से उन्होंने ओपन की स्कूल को. टीचर जो थे उन्हें रिक्रूट किया गया नियर बाय टाउन से. सारे चिल्ड्रंस जो थे विलेज के उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया. कुछ समय बाद फैमिलीज जो थी वो ट्रेनिंग देने लगी अपनी डॉटर्स को इन टेलरिंग के लिए, सिलाई के लिए. और फिर स्टार्ट की स्टीचिंग क्लॉथ्स फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज, फॉर एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय एंड वेयर वेल टेलर्ड क्लॉथ्स. और अब फिर उसने स्टार्ट किया स्टीचिंग करना क्लॉथ्स को. फैमिलीज जो थी विलेजेस की हर कोई चाहता था कि बाय करे और पहने वो वेल टेलर्ड क्लॉथ्स को. और अनदर न्यू जॉब जो था जो टेलर का था वो क्रिएट हुआ. This had another positive effect. इसके कारण भी एक बहुत ही plus effect मिला उस village में. Time जो थे farmers के going far by buying cloths was saved. जो दूर जाकर कपड़े खरीदने का जो समय था वो बच गया. Farmers जो थे अपना ज़्यादा समय जो है वो field पर बिताने लगे और yield जो थी उनके farms की वो बढ़ने लगी. और ये beginning था prosperity का. Farmers जो थे मोर देन दे कुड कंज्यूम. उन्हें इतना उन्हें मतलब कह सकते हैं कि इतना उनका धान जो है इतना सरप्लस होने लगा जितना वो कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा. अब वो सेल कर सकते थे सरप्लस प्रोडक्शन को या सरप्लस ग्रोथ जो थी या ग्रेन जो थे उन्हें प्रोड्यूस जो किए जाते थे अदर विलेज मार्केट में जाकर वो बेचते थे. ओवर द टाइम ये विलेज जो था जो फॉर्मली जहाँ पर कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी शुरुआत में, अब यहाँ पर टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर और बहुत सारे लोग इस गाँव में देखने को मिलते थे. और ये स्टोरी थी एक सिंपल विलेज की जहाँ पर राइजिंग लेवल जो था ह्यूमन कैपिटल का वो इनेबल किया गया था और इन्वॉल्व किए गए थे ह्यूमन एक प्लेस में जहाँ पर रिच प्लेस रिच विथ कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म
की जाती थी। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब किस तरह से आप ह्यूमन को एक एसेट मान सकते हैं और उस तरह से उसका किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों फाइनली हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ है। फॉर द चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।